फ्रेंड्स, फिर से हम हैं आमने सामने और आपके सामने लाए हैं एक ऐसी संभावना जो बन सकती है आपके लिए एक फायदे का सौदा। हर तरफ बढ़ता कारोबार, अब बढ़ते कारोबार के साथ बढ़ती है इसकी जरूरतें। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑफिस ऑटोमेशन की। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है ऑफिस ऑटोमेशन। तो आज के शो में क्या खास है, आइए डालते हैं एक नजर। ऑफिस ऑटोमेशन इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू। कैनन इंडिया है इस बार की हमारी केस स्टडी। सबसे खास कारोबार संबंधी संभावनाएं जानेंगे ज़ेरॉक्स इंडिया से। सफलता की चरम सीमा पर पहुंचे परमिंदर सिंह। क्या आप जानते हैं कि पहला बिजनेस मशीन कोई कॉपियर या प्रिंटर नहीं बल्कि एक स्लाइड रूलर था और फैक्स मशीन का आविष्कार टेलीफोन से पहले हुआ था। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑफिस ऑटोमेशन से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ और इसी कारोबार से जुड़े कुछ अवसर। मैं हूं आपके साथ नेत्रा। ऑफिसेज में बिजनेस मशीन्स का इस्तेमाल 16वीं शताब्दी से होता आया है। शुरुआत में ये मशीन्स मैनुअल हुआ करती थी, फिर समय आया एनालॉग मशीन्स का और 19वीं शताब्दी के अंत में आई एक तकनीकी क्रांति जिसने ऑफिस ऑटोमेशन मशीन्स को एक नया रूप दे दिया, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत। और नतीजतन आज ऑफिसेज पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और एनर्जेटिक हो गए हैं। As far as the industry itself is concerned, it has taken a huge change from what it was 10 years back till today. Today, if you see any office, it will have at least one computer, if not many, and a number of printers. 10-15 years back, it was primarily paper, pencils, and normal manual mode. So one thing that has happened very clearly is that most offices have automated themselves, and that's how the office automation industry came into being. ऑफिस ऑटोमेशन कैटेगरी में वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिन्हें आप रोज अपने चारों तरफ ऑफिसेज में देखते हैं, जैसे फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स, कॉपियर्स, स्कैनर्स और कंप्यूटर्स। पिछले कुछ सालों में इन सभी प्रोडक्ट्स के कई आधुनिक मॉडल्स बाजार में आए हैं। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पीछे हाथ रहा है कैनन, ज़ेरॉक्स, एचपी, एचसीएल, रिको जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज का। लोग चाहते हैं कि अब 7-8 अलग अलग किस्म के मशीन और सॉफ्टवेयर ना हो, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं, हर चीज़ एक बॉक्स में मिले। अब सारी चीज़ इकट्ठी एक उसमें मिले। सो उससे क्या हो रहा है कि जहाँ तक द कस्टमर है, कंपनीज हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इनकी सरदर्द कम हो रही है। पहले 4 अलग अलग कंपनियों से बात करनी पड़ती थी, कोई कॉपियर सर्विस कर रहा है तो कोई फैक्स मशीन देख रहा है, अब सब कुछ एक में। सो आईटी एंड कन्वर्जेंस इज फोर्सिंग कि ये सारी बॉक्सेस और सर्विसेज एक जगह से मिले, ये बहुत क्लियर ट्रेंड है। ऑफिस ऑटोमेशन इंडस्ट्री भी समय के रफ्तार के साथ बढ़ी और बदली है। इस वजह से कई परिवर्तन आए, जैसे एनालॉग से डिजिटल और फिर डिजिटाइजेशन से टेक्निकल कन्वर्जन। इसी कन्वर्जेंस की बदौलत आज के आधुनिक ऑफिसेज में अलग अलग मशीन की जगह मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज का इस्तेमाल होने लगा है। एनालॉग से डिजिटल हुआ, डिजिटल से कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन से नेक्स्ट भी वेब बेस्ड हो जाएगा। वेब बेस्ड में क्या हुआ, सारा जो हमारा डेटा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इट ऑन वन डिवाइस, ये डेटा विल बी ऑन द वेबसाइट, एनीबॉडी कैन यूज इट। तो वेब से एडवांटेज ये होता है कि डेटा इज अवेलेबल ऑन द वेब, जिसको भी चाहिए एनी टाइम ही कैन पिक इट अप ऑन द वेब। ऑफिस ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनीज 2-tier डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर काम करती हैं, जहां ये कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर डीलर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचाती हैं। ये सेगमेंट ज्यादातर पर्सनल सेलिंग पर निर्भर करता है। सी, हमारे बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, जो लार्ज कंपनीज और लार्ज कस्टमर्स हैं उनको हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। सो फॉर दैट हमारे पास एक डायरेक्ट सेल्स टीम है। जो गवर्नमेंट अकाउंट्स कस्टमर्स हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, या जो छोटे शहरों में दूर दूर फैले हुए हैं, यहाँ पे बिजनेस इज डन थ्रू द डीलर चैनल। द डीलर्स दो किस्म से बिजनेस करते हैं। एक, वो डायरेक्टली एज अ सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंचाइजी कह लीजिए, वो डायरेक्टली ऑर्डर्स हमारे नाम पे ला के देते हैं। सो बाकी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, उस मशीन को मेंटेन करना, वो जिम्मेदारी कंपनी ले रही है। सो दे आर जस्ट सेल्स एजेंट्स। There are also a large number of dealers जो खुद स्टॉक करके, लाइक
रिटेलर्स से स्टॉक और आगे अपने एरिया में बेचते हैं और आगे सर्विस भी देते हैं। सो विद इन द डीलर चैनल हमारे पास दो किस्म के डीलर हैं, एक जो सिर्फ सेलिंग करते हैं और दूसरा जो सेलिंग एंड सर्विसिंग भी करते हैं, बिकॉज ऑफिस ऑटोमेशन में पोस्ट सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंपनीज जैसे कि HP अब देश भर में रिटेल आउटलेट्स का मॉडल अपना रही है। वन ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ फैक्टर इज इन BC एंड इवन D क्लास सिटी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ सिटी लाइक चंडीगढ़, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंशन, और लुधियाना और कोचिन और कोयम्बतूर, दीज आर द प्लेसेस वेयर द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज फास्टर देन द मेट्रोस। हम ये कह सकते हैं कि HP IT प्रोडक्ट्स रिटेलिंग में रेवोल्यूशन ला रही है, जिसके चलते इन्होंने अब देश भर में अपने फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट्स शुरू किए हैं। कैनन को आप कैमरा सुनने की गलती करें तो ये गलत नहीं। कैनन शब्द सुनते ही हर किसी के मन में कैमरा की एक छवि बन जाती है, लेकिन कैनन को सिर्फ कैमरा से जोड़ना गलत है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट भी बनाती है। यही नहीं, टॉप 500 कंपनीज में से एक है। कैनन जापानीज कंपनी है, 1937 स्टार्ट किया था ऑपरेशंस, और कंपनी का नाम होता था कोनॉन। कोनॉन है गॉडेस ऑफ मर्सी, उसके नाम पे बना था ये, और फिर उसके बाद नाम बदल के कैनन हो गया। कैनन की शुरुआत साल 1937 में जापान में हुई थी। आज कैनन विश्व भर में 184 कंपनी स्थापित कर चुका है। साल 1964 में कैनन ने अपना पहला बिजनेस मशीन कैलकुलेटर लॉन्च किया, और तभी से शुरू हुआ कैनन का ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का सफर। आज इस कंपनी के पास लगभग 19,902 टेक्निकल पेटेंट्स हैं। कैनन इंडिया में 1997 में आया, 98 में हमने ऑपरेशन शुरू किया, तो करीब हमको अब ऑपरेशन शुरू करे हुए 7 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। भारत में कैनन का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इनके 4 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं। एक तो हमारे डायरेक्ट सेल्स करते हैं स्टाफ, दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पार्टनर्स, वो पार्टनर्स जो कि वो चैनल पार्टनर्स, वो डीलर्स जो कि हमसे मटेरियल लेके कॉर्पोरेट्स को सेल करते हैं। तीसरा हमारा एक चैनल पार्टनर क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम पार्टनर्स, वो होलसेल करते हैं, हमारा मटेरियल लेके आगे डीलर्स को होलसेल करते हैं। और चौथा हमारा जो अरेंजमेंट है वो अब आने वाले टाइम पे बहुत स्ट्रांग होगा, वो होगा रिटेल चेन का, जिसमें रिटेल चेन्स हमसे खरीदेंगी, और आपको जैसे पता है वर्ल्ड वाइड हर टाइप की रिटेल चेन्स मौजूद हैं। कुल मिलाकर कंपनी के 230 चैनल पार्टनर्स हैं। एक तो हमारा कॉपियर और फैक्सेस का बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोडक्ट्स या ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। एक हमारा बिजनेस है प्रिंटर्स का, जो IT पेरिफेरल्स के नाम से कैटेगराइज किया जाता है। और तीसरा बिजनेस है कैमरास का, जिसमें डिजिटल कैमरास, वीडियो कैमकोडर्स वगैरह आते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया में पहले बिजनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। वर्ष 2005 में कैनन ने 50 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, और इसी कंपनी ने एक महीने में 1,000 से ज्यादा कॉपियर्स बेचने का भी रिकॉर्ड बनाया। बीते साल कैनन ने कॉपियर्स की बिक्री में 22% और रंगीन कॉपियर्स की बिक्री में 100% की बढ़ोतरी दर्ज की। हमारा कंपनी का टर्नओवर 306 करोड़ था लास्ट ईयर, और इस साल हमारा कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ होगा। इस साल की ग्रोथ हमारी करीब 30% होगी। कैनन का इरादा भविष्य के ऑफिसेज में पूरी तरह से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर करने का है। इसके लिए कैनन ऐसे आधुनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है जहां हार्डवेयर तो सेम होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑफिस की डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। ऑफिस में भी सारा दिन काम करते करते एक ब्रेक की जरूरत पड़ती ही है। ब्रेक के बाद भी ये एक्शन चलता रहेगा। स्टे ट्यून टू फायदे का सौदा। फायदे का सौदा में सिर्फ उसी का जिक्र होता है जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो इस बार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमारे साथ है ज़ेरॉक्स इंडिया। तो आइए जानते हैं किस तरह इनसे जुड़ के आप कर सकते हैं फायदे का सौदा। 15.7 बिलियन डॉलर की कंपनी ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन का भारत में कदम पड़ा साल 1983 में। पिछले 23 सालों में ज़ेरॉक्स ने ऑफिस ऑटोमेशन के क्षेत्र में अनगिनत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स पर आधारित प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।
इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के जरिए जीरोक्स प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है। हमारे नेशनली दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड 3 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं एंड हम उनको बेचते हैं, वो रीसेलर को बेचते हैं एंड द रीसेलर्स देन सेल टू द कस्टमर्स। जीरोक्स के साथ चैनल पार्टनर बनकर आपको एक लीडिंग ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। आइए जानें। ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन एस्टैब्लिशमेंट through which you can sell this product and then basically approach our distributor, take the product and start selling it. It's very simple, it's very easy. Office automation products ki demand dinon din badhti ja rahi hai. To zahir hai ki iske liye inhe channel partners bhi chahiye. Isliye Xerox apne channel partners ki sankhya badhane ki yojana bana rahi hai. To grow the channel partners, first of all, as a company, we need to give them a big range of products. So the range of products that we have and the value of products that we have will ensure the channel grows. सेकेंड, हमारा बिजनेस अनलाइक द आईटी बिजनेस, वी आर बिजनेस इज अ कंटिन्यूइंग बिजनेस। आप एक बार मशीन यदि किसी को बेचते हो, द पार्टनर द कस्टमर विल नीड कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर इज समथिंग व्हिच अ कस्टमर वुड यूज फॉर एटलीस्ट 4-5 इयर्स। जीरोक्स अपने डीलर्स और चैनल पार्टनर्स को कई तरीके से सपोर्ट देता है। वी गिव देम सपोर्ट फॉर मार्केटिंग, वी गिव देम सपोर्ट फॉर इंसेंटिव प्रोग्राम्स, वी गिव देम सपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, वी गिव देम सपोर्ट फॉर शोरूम डिस्प्लेज, डेमो मशीन्स व्हिच दे बाय and so on and so forth. और इस सब के बाद आखिर आपको फायदा कितना होता है? Normally it'll be in the range of between 8-10% is what the channel partner makes on equipment. And हमारे business में हम supplies बेचते हैं, जो consumer बोलते हैं. Consumers can range between 15-20%. Xerox brand copiers के क्षेत्र में इतना popular है कि Xerox का नाम वर्षों से copiers के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. We are very happy that the name Xerox is very popular with the people. However, as a company, we need to protect that brand. So one of the things that we have done in terms of educating the market about the value of the Xerox brand was to release a couple of advertisements in the month of March where we are telling customers, look, Xerox is a brand and it's not a synonym, like you mentioned, which should be used in everyday's life. अगर आप ये सोचते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में किया जाता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जैसे कि ज्वेलर्स भी मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये तो बात थी ऑफिस ऑटोमेशन की, अब जरा रूबरू होते हैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट से। VIP अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट्स की संख्या बढ़ाने जा रहा है। कंपनी देश भर में 50 नए आउटलेट्स खोलने के लिए 40 करोड़ का निवेश करेगी। वर्तमान में कंपनी को टोटल बिजनेस में रिटेल बिजनेस से 12.5% की आय होती है और कंपनी का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में उसे 25% करने का है। रेमंड, जो कि एक पॉपुलर मेंस वेयर ब्रांड है, बहुत जल्द ही देश भर में द रेमंड स्टोर के नाम से 40 नए स्टोर्स खोलने जा रहा है, जिनमें से लगभग 60% आउटलेट्स मॉल्स में खोले जाएंगे। इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य है देश के अर्बन अपर क्लास को टैप करना। अमेरिकन मेडिसिन शॉप इंटरनेशनल की भारतीय मास्टर फ्रेंचाइजी मेडिसिन शॉप इंडिया की योजना देश भर में लगभग 100 रिटेल आउटलेट्स खोलने की है। वर्तमान में कंपनी के 100 फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स हैं। कंपनी का उद्देश्य टायर 1 सिटीज में अपने आउटलेट्स की संख्या को दुगना करने का है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से और अगर हम अपनी चारों तरफ नजर डालें तो एक ही बात सामने आती है कि ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स में कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की सेल सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे हम इस सेक्टर की सब इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। For the computer industry, I think the growth has been nothing less than spectacular. पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जो कंप्यूटर की जो मार्केट में बहुत ग्रोथ हो रहा है। कंप्यूटर जो पहले बिजनेस सेगमेंट में जाते थे, पिछले 8-9-10 साल में ये होम सेगमेंट में काफ़ी जा रहे हैं। यानी आप अपने घरों में मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ बहुत बढ़ रहा है और ये ब्रॉडबैंड और इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी के कारण तो आज एक कंप्यूटर घर के लिए एक लगभग एक नेसेसिटी बनता जा रहा है। भारत के शुरुआती दौर में असेंबल कंप्यूटर्स का चलन था। इसकी वजह शायद ये थी कि ब्रांडेड कंप्यूटर्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन अब HP, HCL, IBM जैसे कंपनीज ने ब्रांडेड कंप्यूटर्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पिछले कुछ महीनों में कितने ही लो कॉस्ट कंप्यूटर्स की बाजार में एंट्री हुई है। Earlier the PC was priced at 50,000 rupees, came to 40,000, 30,000. Now you're talking about a desktop PC for less than 10,000. HCL ने ये ब्रांडेड कंप्यूटर मार्केट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल लिया था 3-3 साल पहले,
और हम लोगों ने बोला था गो ब्रांडेड गो HCL काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि हमने एक PC मार्केट की प्राइस को रीडिफाइन किया था। कंप्यूटर इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे कंप्यूटर लिटरेसी का बढ़ना सबसे बड़ा कारण रहा है। आज ऑफिसेज में नेटवर्किंग के जरिए सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर पलक झपकते ही हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट भी इस ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। Each company also finds that India is a very large market, so they also want to invest in India. So there are certain companies like HP, who even though we have PCs for other markets, we are creating specific models for India to ensure that these PCs are affordable for the Indian public. So investment in India is very strong, and that will create a very large growth. ये जो IT इंडस्ट्री है, ये तो सनराइज इंडस्ट्री है, जिसका सूर्य अभी उदय हो रहा है, तो इसमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। आप देखते रहिए फायदे का सौदा। चलिए अब मिलते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ डीलर्स से और जानते हैं उनका नजरिया इस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, रिटेल आउटलेट टिपिकल इंडियन बायर जो होता है वो देखना चाहता है प्रोडक्ट को रिटेल आउटलेट में, पर खरीदना चाहता है ऐसी जगह से जहां सस्ता में मिल सके। तो रिटेल आउटलेट का खर्चा तो कुछ ज्यादा होता जरूर है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कंपनी के पास कि किस तरह इन रिटेल आउटलेट को वायबल बनाए। व्हेन यू वांट टू डू अ बिजनेस लाइक दिस, इन बिगनिंग यू गॉट टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू वांट एन इजी वे आउट इन लाइफ एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू डू एन IT बिजनेस, देन इट्स नॉट अ राइट बिजनेस, इट्स अ सीरियस बिजनेस एक्चुअली। इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म डेडिकेशन टू डू दिस बिजनेस, देन इन मीडियम टर्म इट विल बिकम प्रॉफिटेबल, इन अ लॉन्ग टर्म इट विल बी वेरी गुड। So you have to be a person who looks at long term to do this business. अब समय है हमारे सवाल जवाब सेक्शन का, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। मिस्टर बहल, फायदे का सौदा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से मिस्टर जावड़ेकर लिखते हैं कि वे रेड टेप की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। वे इसके बारे में जानना चाहते हैं और पूछते हैं कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्हें पूरी करनी होंगी। देखिए, रेड टेप की फ्रेंचाइज लेने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पास 250 से 1000 स्क्वायर फीट तक का जो रिटेल स्पेस है वो होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो आपको करीब 8 लाख रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, जो स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और इसके साथ साथ आपको इंटीरियर में इन्वेस्ट करने। कंपनी से स्टॉक लेने के लिए आपको जो 40% है वो डिपॉजिट देना होगा, और जहां तक इंटीरियर्स पर इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसका जो 50% है वो कंपनी शेयर करती है। और यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो टोटल बिलिंग होगी वो कंपनी के नाम पर होगी, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका जो 20% है वो कंपनी जो है अपने फ्रेंचाइजीज को पास ऑन करती है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। बैंगलोर से मिस्टर नायडू पूछते हैं कि वो सोनी वर्ल्ड की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं। वे इस बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक सोनी वर्ल्ड की फ्रेंचाइजिंग का सवाल है तो ये एक हाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज बिजनेस है। इसके लिए आपको एवरेज जो है वो 4000 स्क्वायर फीट जो है वो रिटेल स्पेस आपको चाहिए, और कंपनी की ये प्रेफरेंस रहती है कि जो आपके पास रिटेल स्पेस है वो या तो किसी मॉल के अंदर हो, या हाई स्ट्रीट पे हो, या फिर किसी लेजर जो है शॉपिंग एरिया है उसमें हो। इसके साथ साथ आपको करीब 1.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट भी करने होंगे, जिसमें 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट तो सीधी आपको स्टॉक्स पे करनी होगी, और 50 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट अपने जो है वो इंटीरियर्स पर करनी होगी। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जो कंपनी है वो अपने प्रस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज की अब बड़ी अच्छे से स्क्रीनिंग करती है अपने फ्रेंचाइजीज को सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए उनकी बैकग्राउंड बकायदा देखी जाती है, उनका प्रोफाइल देखा जाता है, और उनका जो है इंटरेस्ट क्या है रिटेलिंग में, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें उनका इंटरेस्ट क्या है वो भी कंपनी बड़े अच्छे से जांच करती है। और जो अच्छे एंटरप्राइजिंग जो फ्रेंचाइजीज हैं सोनी वर्ल्ड के, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है टोटल उस पर 30% तक वो अपने अर्न कर सकते हैं।
मिस्टर बहल, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम अपने अंजाम पे तभी पहुंचता है अगर वो सफल हो, क्योंकि असफलता कभी कहीं नहीं पहुंचती और सफलता सर चढ़ बोलती है। ऐसी ही एक सफलता हम आपके सामने ला रहे हैं। नाम परमिंदर सिंह चावला, उम्र 42 साल, कारोबार आईटी प्रोडक्ट रिटेलर। और गौर से इस चेहरे को देखें तो शायद आपको कुछ याद आए। ओए खुत्या, बस कर यार। परमिंदर स्टेटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 1987 में श्याम कंप्यूटर्स के साथ, जहां ये सेल्स ट्रेनी थे। और आज ये हैं MM9 ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और इसीलिए हमारे सक्सेस स्टोरी के नायक। जब शुरू किया था तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। उस टाइम हमारा कोई इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज के साथ, हमने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू किया था। इनके MM9 ग्रुप में है MM9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और MM9 एडवांस ऑटोमेशन, और इनकी कंपनी का टर्नओवर है 25 करोड़। इनके पास रिको की डीलरशिप पिछले 8 सालों से है, जिससे ये काफी खुश हैं। सपोर्ट के मामले में आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज हमारे और भी बिजनेसेस हैं जिसमें हम दूसरी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं गुड़गांव एरिया के अंदर। सपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, इट्स अनमैच्ड सपोर्ट। इसके अलावा इनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा शौक है एक्टिंग। मारुति, वैट और इंडिया शाइनिंग कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनमें ये अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। स्टैलिन और बंटी और बबली जैसे फिल्म्स में भी आप इन्हें देख सकते हैं। भारत की आर्थिक रफ्तार और ऑफिस ऑटोमेशन की उन्नति को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में रुचि रखते हैं या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये सेक्टर आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन सिर्फ अगले हफ्ते तक, क्योंकि अगले हफ्ते फिर शुरू होगा फायदे का एक नया सिलसिला।